नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज, मैं तुषार आपके साथ। राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, और 2024 के चुनाव जो है वह नजदीक है, और ऐसे समय में कब क्या हो जाए ये तो कतई नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश ये दो राज्य ऐसे हैं कि ये दो राज्य जिस पार्टी को चाहे उस पार्टी को जिता कर केंद्र में उसकी सरकार बनवा सकते हैं। आपको बता दें कि 2024 के जो लोकसभा के चुनाव है उनमें अब बहुत ही कम समय रह गया है, और इसी को देखते हुए बिहार की राजनीति से एक बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आई थी। जिस तरह से हमें पता चला था कि संतोष मांझी ने नीतीश कुमार की सरकार से इस्तीफा दे दिया था, अब वहीं ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो संतोष मांझी है वो एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। आपको बता दें, एक तरफ है महागठबंधन की राजनीति और एक तरफ है एनडीए। एक तरफ है महागठबंधन जो इकट्ठा होकर सभी विपक्षी दलों को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए इस बार के चुनाव में उतरने को तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का खेमा, जो कुछ भी कर कर हर साम दाम दंड भेद के साथ मैदान में उतरेगा, चुनावी मैदान में उतरेगा, और वो जीत कर दिखाएगा, ऐसा उसका कहना है, और उसको लेकर रणनीतियां बनानी भी शुरू हो गई। आपको बता दें कि जितिन मांझी के पुत्र संतोष मांझी ने जब इस्तीफा दिया था तब उन्होंने ये कहा था कि जो जेडीयू है उसने हमारी पार्टी को जेडीयू में विलय करने का प्रस्ताव हमारे सामने रखा था, और हमने ये नहीं माना, और इसलिए हमने इस्तीफा दिया है, क्योंकि हमारे अलग मुद्दे हैं, हमारी अलग विचारधारा है, और हमने उसी के साथ अपनी पार्टी जो है वो खोली थी। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि जितिन मांझी की जो पार्टी है वो अब एनडीए के साथ जो है वो हाथ मिला सकती है, और आने वाले लोकसभा चुनाव में उनके साथ वो लड़ सकती है, और कुछ सीटों पर उनकी मांग रहेगी जो एनडीए उनको देगा, और उस पर वो सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें, यहीं पर जेडीयू के जो नेता रहे, जो जेडीयू के नेता हैं, उनका क्या कहना है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है संतोष मांझी के इस्तीफे को लेकर, जिसमें उन्होंने बताया कि संतोष मांझी ने निजी कारणों के तहत, उन्होंने खुद कहा कि निजी कारणों के तहत उन्होंने इस्तीफा दिया। आपको बता दें कि इससे पहले लाल सिंह का एक बयान आया था, जो एक बहुत बड़े नेता है जेडीयू के, उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये स्वीकारा था कि हाँ, हमने जो है वो उनको छोटी दुकान बंद करके एक बड़ी दुकान खोलने का जो है ऑफर दिया था, और उसी को कहीं ना कहीं उस बयान से बचते हुए जो तेजस्वी यादव है उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा, यानी कि संतोष मांझी ने अपना त्याग पत्र सौंपा, उसमें साफ साफ लिखा गया था कि वो अपने निजी कारणों के साथ ये इस्तीफा दे रहे हैं, तो इसमें जो बात है विलय वाली वो कहीं से नहीं आती। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं जो लाल सिंह है, उनका ये कहना है कि हाँ, हमने उनको ये ऑफर दिया था कि आप कब तक छोटी दुकान चलाते रहेंगे, आप बड़ी दुकान खोलिए, यानी कि हमारे साथ आ जाइए, हमारे साथ जेडीयू में अपनी पार्टी का विलय कर दें। लेकिन वही तेजस्वी यादव है जो बच रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने त्याग पत्र में लिखा था कि वो निजी कारणों के तहत दे रहे हैं। क्या कहा है तेजस्वी यादव ने, चलिए आपको पूरी बात सुनाते हैं। जी को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाने का काम किया, यहाँ तक बिहार का मुख्यमंत्री भी बना, और पहले हम लोगों के साथ भी, हम लोग के गठबंधन में थे पूर्व, तो हम लोग अपने कोटे से MLC भी बनाए थे संतोष मांझी जी को, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया और संतोष जी को मंत्री बनाया। तो कभी भी जो है कोई ये नहीं कह सकता कि सम्मान जो है इन्होंने नहीं दिया, हमेशा बढ़ चढ़ करके जितना हो सकता था उनको जो है हमेशा सम्मान देने का काम किया। जब पुनः हम लोग महागठबंधन में आए तो हम लोग सब लोग साथ लेकर के अब लेके आए, उसमें भी संतोष जी जो है मंत्री बने रहे। लेकिन जब बात हुई है जो ललन बाबू जी कह ही रहे, विजय चौधरी जी ने साफ तौर पे चिट्ठी दिखा ही दिया, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि निजी कारणों के वजह से जो है अब साथ नहीं चल सकते। साथ नहीं चलने का मतलब तो यही हम लोग समझते हैं, पॉलिटिकल लोग यही लोग सब लोग जानते हैं कि इसका मायने क्या है। अब वहाँ क्या है, उनका क्या सोच है, इस पे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो चिट्ठी में जो लिखा है तो इसमें तो बातें एकदम स्पष्ट है कि महागठबंधन का वो अंग नहीं है, रहना चाहते और नहीं है। अरे भाई, हम कहाँ से बताएंगे, हम भी डिप्टी CM बने तो नोटिफाई तो मुख्यमंत्री जी ना करेंगे। चर्चाएं हैं कि ये सारी चीजें जो बन सकते हैं मंत्री, अब इस पे हम लोग कुछ नहीं कह सकते, ये मुख्यमंत्री जी का निर्णय।